स्कॉटलैंड भी इंशाल्लाह खोलेंगे बहुत जल्द, आहिस्ता आहिस्ता से। पाकिस्तान मस्ट विजिट चाय वाला बिकॉज देयर चाय इज द बेस्ट। हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद के हम अब जिस जगह आपको लेके जा रहे हैं और खासतौर पर हमारे जो स्कॉटिस्तानी फ्रेंड आज हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो हर साल आती है और हर साल हम किसी न किसी जगह के उनको सेल भी करवाते हैं और कुछ खाते पीते भी है। तो आज हमने सोचा कि कुछ देसी तरीके से मेहमान नवाजी की जाए उनकी, तो आज हम आए हैं चाय वाला पे। वैसे तो चाय वाला का नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, इसकी वजह शायद हमारे जो सोशल मीडिया यूजर्स वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई थी चाय बनाते हुए एक छोटे से ढाबे के ऊपर, जो बाद में काफी मशहूर भी हुई और उनकी मशहूरी की वजह उनकी आईज जो आंखें थी उनकी ब्लू आईज, उसकी वजह से चाय वाला जो है काफी अब मशहूर हो गए हैं और इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपनी चाय की आउटलेट खोली हुई। आप देख सकते हैं ये सारा ट्रक आर्ट से इसको सजाया गया है, बहुत ही जबरदस्त ये कलरफुल सा ये आर्ट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे जो चाय के कप्स हैं उनको भी लटकाया गया है और इनको थोड़ा सा इन्होंने स्टाइल दिया है। ट्रक आर्ट की मैं बात कर रही थी तो हमारे स्कॉटिस्तानी के चैनल पे एक जबरदस्त सी वीडियो है ट्रक आर्ट की, मजीद अगर आप जानना चाहते हैं इस ट्रक आर्ट के बारे में तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे देंगे। आपको सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और अच्छी मजे की धूप भी है आज, डे भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, काफी दिनों से बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में और आज तो बहुत ब्यूटीफुल डे है। और चाय वाला का हम अखबारों में वहाँ स्कॉटलैंड में और सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप आज मुझे ले ही आई चाय वाला के पास और मेन्यू में भी बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। चाय में भी इतनी मजे मजे की वैरायटी है, देखिए तरह तरह की काजू वाली चाय है, अखरोट की चाय, बादाम की चाय। मुझे अखरोट बहुत पसंद है तो मैं अखरोट की चाय पीऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने ना मुझे गलत टाइम पे इनवाइट किया है क्योंकि मैं खाना खा के आई हूँ, आप भी खाना खा के दोबारा मैं लेके आऊंगी, दोबारा आप मुझे लाएंगी लंच टाइम पे ताकि मैं बहुत सारी लंच की आइटम्स भी ट्राई करूँ। इसमें बहुत सारी लंच नाश्ता भी है, मतलब किसी टाइम आप नाश्ता भी कर सकती है, इन फिल वक्त हम चाहेंगे कुछ लाइट सा हम खाएं क्योंकि मैंने भी लंच किया है, आपने भी लंच किया, लेकिन ये किसकी जो सारी एम्बियंस है वो बहुत जबरदस्त है, जैसे कि आप पहले कह रही थी कि ट्रक आर्ट से इंस्पायर्ड है और रूफ टॉप पे है इस्लामाबाद पे इतना ब्यूटीफुल हमें मार्गना जो कि बारिश के बाद अब निखर के सामने आ गई है, आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और जब भी इस्लामाबाद आए चाय वाला पे, चाय वाला पे जरूर आए। और आप देख रहे हैं ट्रक आर्ट का वेस्पा स्कूटर। आज एक बात है निकट के अब मुझे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कम से कम कुछ सड़क पे स्कूटर्स नहीं नजर आते, लोग यहाँ स्कूटर्स नहीं चलाते अब क्या? अब लड़कियां थोड़ा बहुत चला लेती हैं, खवातीन को मैंने अक्सर देखा है और खासतौर पर स्कूटीज, छोटी छोटी स्कूटीज चलाते हुए, मोटर बाइक भी चलाती है खवातीन, लेकिन स्कूटीज का भी अब थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा भी कहें कि परसेंटेज पता नहीं कितनी होंगी, इक्का दुक्का खवातीन है जो चला रही है, वो भी हिम्मत कर रही है, तो होपफुली हम कुछ अरसे बाद शायद बहुत सारा देखेंगे लोगों को स्कूटी चलाते हो सकता है, स्कूटर पे राइड करके चाय वाला में चाय पीने आए, ये भी हो सकता है।
इट्स अ ग्रेट डे ग्रेट प्लेस एंड ग्रेट कंपनी थैंक यू सो मच तो हम अर्शद साहब से पूछना चाहेंगे कि ये हमारे स्कॉटलैंड में चाय वाले का कैफे कब खोल रहे हैं? जी इंशाल्लाह जरूर खोलेंगे, अभी तो पाकिस्तान में खोल रहे हैं और लंदन में खोल रहे हैं, उसके बाद स्कॉटलैंड में भी इंशाल्लाह खोलेंगे बहुत जल्द। आहिस्ता आहिस्ता अभी पाकिस्तान में आपके कहाँ कहाँ पर है चाय वाला के कैफे? पाकिस्तान में हमारा ये फर्स्ट है, एक गुलबर्ग ग्रीन में इस्लामाबाद और एक मरी में हमारा, अभी हमारी इंशाल्लाह ईद पे ओपनिंग होगी बालाकोट में, डिजाइन इसका स्टार्ट हो चुका है। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है कि बालाकोट में भी आप जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो होपफुली पूरे पाकिस्तान में आप अपनी शाखें फैलाएंगे। इंशाल्लाह जरूर, अभी तो लंदन भी जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर फ्रेंचाइज दे चुके हैं। अच्छा, लंदन में अभी स्टार्ट है वहाँ पे? नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा, 10 आउटलेट्स वहाँ पे खुलेंगी इंशाल्लाह। बस हम चाहते हैं कि आप स्कॉटलैंड भी आए और ग्लासगो हमारा बढ़िया शहर है और एडिनबरा स्कॉटलैंड का। जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अच्छा ये बताएं कि इतनी डिफरेंट टाइप्स की आपकी मेन्यू में चाय है, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? अर्शद खान कड़क चाय। कड़क चाय फ्रॉम द हॉट चाय वाला है जरूर। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाह रही थी, आपका जो मेन्यू हमने देखा बहुत जबरदस्त चीजें आपने रखी हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है आप अर्शद खान चाय वाला पे कोई खाने पीने आए तो आप क्या एडवाइस देंगे? खाने में असल में यहाँ पे चिकन चीज बहुत ज्यादा चलता है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू भी है, पास्ता लज़ानिया काफी ज्यादा चीजें हैं माशाल्लाह, सभी अच्छी है बहुत अच्छी है, जो भी मैंने खाई है मुझे अच्छे। आप केपी से है ना? जी। तो केपी की भी कोई डिश है यहाँ पे? जी बिल्कुल है, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती है, साग वाला पराठा भी है इसमें, काफी ज्यादा चीजें जो कि अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करेंगे वो भी, बाकी चीजें चल रही है। चले ऑल द बेस्ट स्कॉटलैंड पे इस वक्त जो आप लोग को देख रहे हैं उनको और हमारे जो पाकिस्तान में हमारे जो व्यूअर्स हैं बल्कि पूरी दुनिया में उनको क्या मैसेज? जी जरूर, उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी तालीम कंप्लीट करें और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि शौक से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शौक भी पूरा करें लेकिन आप डायरेक्टली खुद ना करें, क्योंकि आप शौक से कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप कहीं पे जॉब करें या किसी के साथ शेयरिंग पे काम करें, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप अपना शौक पूरा करें। थैंक यू सो मच। शाहिद बुखारी मेरा नाम है, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ कैफे चाय वाला। ये बताइए कि स्कॉटलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? स्कॉटलैंड का नाम जब भी जहन में आता है, ब्यूटीफुल कंट्री, ठंडा ठंडा दबाव में आता है कुछ। चाय वाला को स्कॉटलैंड में कब लाया? आई होप ये हमें यू नो कि आपको पता चला होगा, अर्शद ने बताया होगा कि आपको हम यूके हमारी फ्रेंचाइज जा चुकी है, तो यूके के हमारी जैसे ही विद इन 2 or 3 months हमारी पहली ब्रांच ओपन होगी, जब यूके जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को, उधर के लोगों को पता चलना शुरू होगा, उसको ट्राई करेंगे, टेस्ट चाय हमारी ट्राई करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हाँ मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उधर भी जाएंगे स्कॉटलैंड के ऊपर। All the overseas Pakistanis there, when you visit Pakistan, must visit Chai Wala because their chai is the best. And according to the weather demand, you know there's very cold in Scotland, so you will forget about Scotland tea when you visit Pakistan. उम्मीद है कि आपने आज का ये चाय वाला का विजिट हमारे साथ enjoy किया होगा। तो आप भी आइए, इंजॉय कीजिए और साथ साथ जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी, आप स्कॉटिस्तानी को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। होपफुली कहीं और आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।